बीते दिन हलका मजीठा के पिंड जलालपुरा विखे नाबालिग चरणप्रीत सिंह के पिता की मौत हो गई थी। उसका होर कोई वाली वास नहीं सी अते उसके पिता की मौत तो बाद उसके शरीके लगते चाचे ने वालों उसनू कणक की कटाई नहीं कर दी। इस संबंधी चरणप्रीत सिंह ने पिंड के पतवंतों नाल संपर्क किया तो उन्होंने यह सारा मामला भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां के आगुओं के ध्यान में लिया तो उन्होंने वालों पिंड के लोगों को पुछ पड़ताल करके लड़के के सही पाए जाने पुलिस थाना मजीठा विखे दो दिन का धरना भी लगया और एस डी एम मजीठा के तहसीलदार मजीठा के ध्यान में सारा मसला लिया जिसते प्रशासन के वालों उन्होंने विश्वास दवाया गया कि तुहाड़े नाल पूरा इंसाफ किया जाएगा। प्रशासन कणक वंडन में कोई भी दखल ना मिलने कारण भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां वालों खेती किसान यूनियन और कुछ होर समर्थक जथेबंदियों कुछ पिंड वासियों के सहयोग नाल कानून के मुताबिक जो बनता कानून है उसके मुताबिक ही आपको हक दवाना है। इस करके पूरे कैडर निम्रता सहित बेनती है कि किसी वीर ने भी उची आवाज किसी भी वीर ने गल नहीं करनी। कोई अगों आप गाला नहीं कड़ता तो आपू गाला का जवाब गाला ना नहीं देना। आप हाथ ही जोड़ने क्योंकि ये अपने जथेबंदी का सब तो पहला सिद्धांत है। इस करके नौजवानों खास करके अपील है कि आप जथेबंदी के नाल आए हैं। इस करके सारे वीर बड़े प्यार से सत्कार नाल आगुआ के कहने च रह के जिहड़ा भी काम करना आगुआ के कहने च रह के काम करना है। प्रशासन भी सारा जथेबंदी के नाल आ मिटन लगे ये एस डी एम साहब के हुक्मानुसार जिहड़ा मुंडे के हाथ के कणक वंडन का आर्डर होया उसके संबंध च आप कणक वंडन जा रहे हैं। कोई कानून हाथ च नहीं जो कोई आप कणक वंडन तो डटता है उस ना कोई बहस वसाई नहीं करनी मेरे वीरो सब तो पहली बेनती है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आए हुए किसान वीरो कुछ गल अपने मन एक जथेबंदी आ जथेबंदी का झंडा एडा पवित्र एडा उच्चा वास्ते अपन ही जान भी दे सकते हैं पर अं जथेबंदी के झंडे को दाग नहीं लगन देना चाहते। ये जेडे पिंड की गल वा आप सुनिया तो पूरा परख्या छानबीन की एक जतीम तो गरीब बच्चा वा उन्होंने चाचे ताए जेडे आदे राक्ष बने वो भादे मोदी बने उन्होंने पैली च नहीं वड़न दे रहे। सो आप सारी जथेबंदी वालों फैसला किया पूरे का पूरा प्रोसीजर जोड़ा एस एस पी साहब न ध्रुव दहिया जी को एस डी एम इतों तक कि मजीठे थाने के बाहर दो दिन का धरना भी चलाना पाया। सारा कुछ लिखती होने के बावजूद भी साढ़े को प्रशासन पता नहीं किड़े दवाधीन फिर भी वो जरा बच्चा उन्होंने न्याय नहीं दवा रहा। साड़ी जथेबंदी ने फैसला लिया सारा कुछ लिखत लिखाई करने तो बाद कि यह कणक जी वो प्रशासन के नाल चल के भारतीय किसान ने एकता ग्राह आप उसे ताली के जिस बच्चे के बीजी उन्होंने बढ़ा के देगी इतने पहुँच गया। बाकी प्रशासन की ड्यूटी आ प्रशासन उन्होंने पूरा पूरा प्रबंध करेगा क्योंकि आप लिखती से प्रशासन को लिया दस के भी आए आप जो हिजल अगे हो तो अगे जारी हिजल एवं कर दो अपने आगुआ ध्यान रख्या करो भी आगू कि गल करते कितना करना वा। कणक कटाई करने तो बाद चंद्रवीर के चाचे ने वालों तहसील मजीठा विखे अपने नाल हुई बेइंसाफी संबंधी धरना लगाया और इसके चलते उक्त चंद्रवीर के समर्थकों ने टोल प्लाजा कथू नंगल विखे धरना लगा के हाईवे जाम करके प्रशासन तो इंसाफ की मांग की। मैं जगप्रीत सिंह कोटला गुजरा किरती किसान यूनियन यूथ विंग का जनरल सकत्तर। अज का मामला जो पिछले दिनों तो मामला जो लमकदा आ रहा क्यों जान बुझ के जो चंदन दी बेटा वा ये हक के स्टे भी आ स्टे बकायदा लिखा गया कि गुरपाल सिंह जो मालिक आ कणक बीज जी आढ़ सकता। गुरपाल सिंह की डैथ हो चुकी आ हूँ वह अगर बेटा चंदन दीप आ स्टे बकायदा लिखा कि चंदन दीप जो कणक आधिकार है वह हक है वढ़ सकता। सो अज अं कणक वढ़न गए कणक वढ़ भी ली उत्थे किसी तरह की हुल्लड़बाजी नहीं हुई। तीन चार उन्हां दीआं बीबियां आईयां साढ़े वालों भी एक भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां जथेबंदी बंदे बद्दी के जो भैन जी पलविंदर कौर गोसल से उन्होंने ही सारा मतलब उन्होंने डकिया बड़े मान सत्कार ना कोई गलबात नहीं हथो पाई कोई नहीं हुई। बाकी साढ़े नौजवान सारे जिन्हें बुजुर्ग सारे पिछा से कोई पुलिस प्रोटैक्शन नहीं सानू मिली जी बकायदा जोड़े आर्डर हुए थे भी कणक वढ़न के पुलिस को चाहिए सी डी एस पी मैं खुद किया भी सानू पुलिस प्रोटैक्शन जी दी जाए एस एच ओ किया पर उन्होंने कोई पुलिस प्रोटैक्शन नहीं दी।
उसके बावजूद भी साढ़े तो हूँ जोड़े ये जो नजायज़ एलीगेशन ला रहे हैं कपड़े पाड़ियाँ के, कपड़े पाड़ियाँ का कोई एक भी सबूत दे दें तो असी जवाब दें। ये जान बुझ के इसको सियासी रंगत दी जा रही है, जो कि एक किसान जथेबंदियां तीन किसान या चार किसान जथेबंदियां साड़ियां जिहड़ियां लड़ रही संघर्ष में भारतीय किसान यूनियन एकता अग्राह कीर्ति किसान यूनियन आल इंडिया किसान मजदूर सभा और भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल वेखो जी अगे तो भी चंदनदीप सिंह के बिल्कुल नाल असी खड़े हाँ, चट्टान वाग खड़े हाँ, खड़े रहेंगे। जमीन यही दवा के जमीन इनू यही दवा के ही रहेंगे, असी पछाण नहीं हटा जिहड़े इस हल्के मजीठे हल्के सियासी लीडर का दबदबा अकाली जिहड़े अखौती अकाली लीडर आ, असी इन्हां दा पूरा जिहड़ा विरोध करांगे, असी इन्हां तों डरन वाले नहीं, पछाण हटण वाले नहीं हैगे। अपना नाम दस्सो जी। मैं पलविंदर कौर गोसल, ब्लाक मजीठा, जिला श्री अमृतसर। ये वीर जी ये ना काफ़ी दिनों तो ना एक जड़ा नाबालग जतीम लवारिस बच्चा चंदनदीप सिंह वह पिंड जलालपुर का सीगा, तो वो जी ना जमीन जायदाद का मसला सीगा, तो वो बाप की डैथ हो जाती है, तो वो चाचे ताए जड़े जबरी उस वसूलते सके, तो उन्होंने अपने ना से जी वसीयत भी कर ली सी। हूँ मसला सीगा कणक वड्डन का, कि जी कणक सी ना वो चंदन के बाप ने बीजी सी, तो जिहड़ा स्टे सीगा मानजो कोड ने इहदे हक च दिता होया कि ये कर सकदा वा वढ़ सकदा वा, बट ये जिहड़ा वो थोड़ी जिहड़ी विरोधी धिर आ ना वो थोड़ी जीआं वाली भी आ, फाइनैंशियल भी स्ट्रोंग आ, ते उन्हां दे मगर सियासी दबदबा भी है, ये बेचारा कल्ला है। और इन्हें जिहड़ा सीगा ये मसला जिहड़ा भारतीय किसान यूनियन एकता गुराह जथेबंदी अधीन आंदा, हुण ये जथेबंदी एक अजिही जथेबंदी है जिहड़ी दोनों पक्षां दीआं दलीलां सुण के हक ते सच ते लड़न वाली आ, और इन्हां ने पहलां इहदी भी गल सुनी, विरोधी पार्टी की भी सुनी, सारा मसला जिहड़ा खोक वरच पड़ताल करके तो जड़ा वा यदा बच्चे का गुट फड़िया। हूँ जदों असी प्रशासन तो टाइम लिया सीगा भी जड़ा वा 21 तरीक तक जी वो कणक बढ़ी जाए, नहीं तो असी जड़ा वा जथेबंदी आप कणक बढ़ाएगी, पर होया कि 21 तो पहले ही दो दिन 19 इनू बच्चे हालांकि 17 साल का आदा परचा बनता नहीं, इनू जबरी जड़ा चक के खड़िया उन्होंने विरोधी पार्टी ने चुकाया, ये परचा किया गया, और असी जथेबंदी ने दो दिन मजीठा थाना मोड़े धरना भी लगाया। अज वीर जी जी सी ना कणक सारी कागजी कार्रवाई ओके हो गई, उस तो बाद कणक बढ़नी सी, कणक बढ़न वास्ते जी भारतीय किसान यूनियन एकता गुराह जथेबंदी साड़ी हमायत दे विच कीर्ति किसान यूनियन जथेबंदी ये जड़े सीगे आए सीगे कणक बढ़न वास्ते, और उत्थे किसी प्रकार की कोई हुल्लड़बाजी नहीं हुई, मैं उस टाइम मौके पर सीगी गवाह। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਜਾਪਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਉਗਰਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਪਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਏਕਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਪਾੜੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਰਪਈ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਬਲਾਕ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਘਨੌਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਘਨੌਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੜਾਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਗਈ ਕਿ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆ, ਗੱਲ ਸਏ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਏ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਨਿਪਟਾ ਤਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ? ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਕਣਕ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਅ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਡਰ ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਕੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ
गरीब नूं कणक वढाई आ। इत्थों तक कि इहदे घर पड़ोले दे विच इक दाणा वी नहीं आ, इह घर घर मंग के खाण दे मजबूर हो चुका है। 10 दिन इन्हें गुरद्वारे रोटी खाधी, 10 दिन किसी घरों रोटी खाधी, इन्ना जुल्म हो रहा जी ये साढ़े पिंड। इल्जाम लाए जाने जी उन्हों का बेटा नहीं है जी, बच्चा नहीं है उन्होंने। सरदार जी आज तो 10 साल पहले दे बाप ने एक वसीयत की 2011 च, उन्हें लिखा मेरा पुत्र चंदन सिंह, ये को 7वीं का सर्टिफिकेट आदि को आधार कार्ड आ। इस तो अलावा सर कि प्रूफ करूगा तो होर कि चीज़ ना कर सकता, तुम दसो। जो पलविंदर माल ने उन्होंने भी इल्जाम लाए जा रहे हैं कि वो जेडे ने पिंड रिश्तेदारी रिश्तेदारी निभा रहे हैं, जथेबंदी का फर्ज नहीं निभा रहे। सर सरदार पलविंदर सिंह की साढ़े पिंड कोई रिश्तेदारी नहीं है, सिर्फ एक इंसानियत के तौर पर एक बच्चे का इन्नी तरसयोग हालत वेख के ये सच्चाई पक्ष रख के तय दिलों साढ़े ना तुरी है, तो हर पक्ष तो यदि मदद की है। तो अब बड़े जोर न अपनी जथेबंदी की अगवाई हेठ इन कणक वढ़ाती है। तो सर सब तो व्डा शुक्रिया अदा करते सरदार जोगिंदर सिंह गुरह का, जिन्हों का हाथ साढ़े सिर पर है जी। सर किसी ने जनाब माता जी ने साडे मामा दे समान ने किसी ने उन्होंने हाथ नहीं लाया, 3-4 वारी उन्होंने कणक नूं अग लाउण दी कोशिश की, उन्होंने गाड़ी हाथ जोड़े भी ढाडा ही बच्चा वा, इहदी कणक दे घर जा लैण दो। इत्थों तक कि साडे कोल वीडियो आ उन्होंने पुत्र दे सामने, उन्होंने पुत्र ने अपनी माता दी वीडियो बनाई भी माता कपड़े पाड़, जदों ने कपड़े पाड़े उन्हें वीडियो बना के कई जथेबंदी दे आगू होर वीर साहिबान जिहड़े आए सारे नूं कवर किया, कि माता ने माता नूं किसी ने नहीं हाथ लाया। साहब जी क्यों इल्जाम ला रहे ने फिर? सर यो कि कणक वढ़ी गई आ, इहदे कोल पैसे आ जाणगे, 4 केस लड़ दूगा। उन्होंने पहले दिन तो यह कि इन्हों को पिंड चो पैसे नहीं लगने, तो इन्हें 2-4 महीने भज नठ के घरों बह जाना, आपे पिंडों निकल जूगा। इतों तक कि पिंडों 100-100 रुपया इकट्ठा करके बच्चे के हक से स्टे लिया गया। सर सर यो कहना चाहते हैं भी प्रशासन को यह मांग करते हैं कि आप सच्चाई पक्ष से बच्चे की मदद की है, साड़ी जथेबंदी ने सच्चाई पक्ष से बच्चे की मदद की है। हुण किसी भी प्रकार का जो प्रशासन से दबाव बना के कोई साढ़े परचा कटना चाहते वो नहीं साढ़े कटिया जाना चाहिए जी। आवाजी कॉम टीवी लिए अमृतसर तो पत्रकार ललित शर्मा की रिपोर्ट।